Welcome in MS Learning Point 2020. Exercise 8A, question number 1. Express each of the following ratios in the simplest form. Now look at the first part, that is 28:63. Now look at the solution carefully. 28/63. हम इसको चेंज कर देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर रेशनल फॉर्म में. उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे. एंड यू नो वेरी वेल दैट इन द टेबल ऑफ 7 इट विल कम फॉर 4 टाइम एंड इट विल कम फॉर 9 टाइम. सो फाइनली वी विल राइट 4:9. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2.7:9. इसमें भी हमें वही करना है, 2.7/9. यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ जीरो इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद इन द टेबल ऑफ 9 इट विल कम फॉर 3 टाइम एंड इट विल कम फॉर 10 टाइम. सो फाइनली 3:10. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2.7:9. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1/4:1/9. इसको कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ध्यान से देखिए. हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 4 और 9 वो कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 36. हमें फिर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सीधा से लिखना है 1/4 × 36 = 1/9 × 36. एंड हियर यू नो वेरी वेल दैट 9 4 9 9 4. सो आंसर विल बी 9 1 9 10 4 1 4. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/4:1/9. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, 1/4:1/8:1/10. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है. एलसीएम ऑफ 4, 8, 10 = 40. नाउ हियर वी कैन राइट 1/4:40 = 1/8:40 = 1/10 = 40. नाउ हियर यू नो वेरी वेल दैट 4 10 = 8 5 10 4. सो फाइनली वी कैन राइट 10:5:4. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/4:1/8:1/10. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, 125 g = 1 kg. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली. यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए. यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो हम किलोग्राम को स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज कर देंगे, यानी इंटू ग्राम में चेंज कर देंगे. हम यहाँ लिख सकते हैं 125 g = 1000 g. ब्रैकेट में हम यहाँ शो कर देंगे 1 kg = कितना होता है, 1000 g. तो यहाँ पर आपको बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट हमारी सेम होना चाहिए. अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. अब हमें क्या करना है, 125/1000, ये आ गया हमारा. आपको मालूम है ये 125 1 125 and 125 8 100 1000. सो हियर 1:8, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 125 g = 1 kg. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 36 min / 1/2 hr. नाउ हियर लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली. देखिए यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर आर है, इसको हमें आर को मिनट में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं. 1 hr = कितना होता है हमारा, वो होता है 60 मिनट. और हाफ आर आप जानते हैं, हाफ आर कितना होता है, 1/2 hr कितना होगा आपका 30 मिनट. टोटल हमारा कितना हो गया 90 मिनट. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 min = 90 मिनट, क्योंकि हमारा 60 और 30 हुआ टोटल 90. ये हमारा चेंज हो चुका है. अब हमें कुछ नहीं करना है, 36/90. एंड अगेन हेयर वी कैन डिवाइड बाई 9 9 4 9 10. और यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड 2 2 2 5. सो फाइनली आंसर विल बी 2:5. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36 min / 1/2 hr. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. हमें यहाँ पर दे रखा है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, वो है 5:3. उस हिसाब से हमारी लेंथ कितनी हो गई, सो लेंथ इज इक्वल टू हो गई हमारी 5π एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हो गई हमारी 3π. एंड पैरामीटर इज ऑल्सो गिविन. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 144 मीटर. एंड सिंस आपको मालूम है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारा 2 × l + b. एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी इस तरह का फार्मूला दे रखा होता था, हम फार्मूले के नीचे ही उसकी वैल्यू डालते हैं. यानी 144 क्या दे रखा है आपको, पैरामीटर दे रखा है, वो हमारा इस साइड में आ जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमें सिर्फ 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारी फार्मूले की, इन टू एल. एल कितना दे रखा है हमें, 5 बाई
प्लस बी कितना दे रखा है हमें 3y, यानी जो वैल्यू है वो उसके नीचे ही पुट करी जाएगी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा आपका 5y प्लस 3y। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 7 2 2 यानी 72 इज इक्वल टू, एंड आफ्टर एडिंग हियर वी विल गेट 8y। उसके बाद हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे 72 अपॉन 8 9 सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू निकाली हमने 9y की, ये हमें इसके अंदर पुट कर देना है, इससे हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है हमारा 5y, यानी 5 × 9 इज इक्वल टू 45 मीटर। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ अमाउंट्स वो हमें दे रखा है 3:5:12, सो ए गैट इज इक्वल टू 3y एंड बी गैट इज इक्वल टू 5y एंड सी गैट इज इक्वल टू 12y एंड टोटल मनी इज आल्सो गिवन, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹7400 यानी 7400। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कहा गया था कि तीन लोगों में ए बी सी के अंदर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3:5:12, उसके बाद जो टोटल अमाउंट था वो था 7400। अब हमें ये बताना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम तीनों का अमाउंट प्लस कर दें, यानी 3y + 5y + 12y, तो कितना आना चाहिए, टोटल रुपीज़ आना चाहिए हमारे पास 7400, यही आएगा हमारा तीनों का अमाउंट है हमारे पास। इनको हम प्लस कर देते हैं, 5 × 3 = 8 और 12 कितना हो गया आपका 20। वाई इज इक्वल टू 7400, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7400 अपॉन 20, 0 से 0 कट, 2 × 3 = 2 7 = 0 यानी वाई इज इक्वल टू आया हमारा 370। सो ए गैट इज इक्वल टू कितना है हमारा 3y मीन्स 3 × 3 = 70 यानी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया आपका 0 1 1 1110। नाउ बी गैट इज इक्वल टू, बी को कितना मिला आपका 5y मीन्स हुआ 5 × 3 = 70 हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1850 एंड सी गैट इज इक्वल टू 12y मीन्स 12 × 3 = 70 इज इक्वल टू हमारा 4440। सो हमारे पास जो ए का अमाउंट आया वो आया 1110, बी का ये आ गया 1850 और सी का आया 4440। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा 7400। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।